गूगल ना दुनिया की सबसे बड़ी आइकॉनिक कंपनी होने के साथ साथ नो डाउट सबसे ज्यादा पावरफुल कंपनी भी है, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में घुसकर अपने आप को वहां का मार्केट लीडर बनाने की पावर रखती है। और इसका कारण है गूगल का अपने कोर बिजनेस गूगल सर्च इंजन में सक्सेस हासिल करना। गूगल का अमेरिका में होना अमेरिका के लिए एक फक्र की बात है, पर आपको क्या लगता है इंडियंस ऐसे शांत बैठने वाले थे? अगर ऐसा लगता है तो आप गलत सोच रहे हो। मेरा नाम है अश्विनी पारिक और आज हम जिस कंपनी के केस की केस स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है guruji.com। 2006 में IIT दिल्ली के दो ग्रेजुएट्स अनुराग दौड़ और गौरव मिश्रा ने बेंगलोर में मेड इन इंडिया मेड फॉर इंडिया सर्च इंजन guruji.com को co-found करा। जैसा कि मैंने अभी कहा, क्योंकि ये सर्च इंजन मेड फॉर इंडिया था, इसलिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट पॉसिबल सर्च रिजल्ट्स ये देता था फॉरेन सर्च इंजन गूगल के मुकाबले उस टाइम। और इसी कारण से बहुत ही जल्दी सर्च इंजन ने पॉपुलैरिटी गेन कर ली इंडिया में। सिकोया कैपिटल और सैंडस्टोन कैपिटल जैसी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से फंडिंग पाने में भी सफल हो गया guruji.com। guruji.com के पास सक्सीड होकर गूगल जैसा जायंट बनने के लिए सब कुछ था, मनी, पॉपुलैरिटी, गुड फाउंडर्स, सब कुछ। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि guruji.com का नाम भी शायद आपने आज पहली बार ही सुना होगा। guruji.com की पॉपुलैरिटी के पीछे एक कारण था और वो था उसका एक शानदार फीचर जिसका नाम था म्यूजिक सर्च बाय guruji.com। इस फीचर को यूज करके लोग अपने मन पसंदीदा म्यूजिक को वहीं पे सर्च कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे और डायरेक्टली वहीं से उसे प्ले भी कर सकते थे, चाहे वो म्यूजिक किसी भी वेबसाइट पर हो उससे फर्क नहीं पड़ता था, इंक्लूडिंग पायरेटेड साइट्स जो कि बिना कॉपीराइट के पायरेटेड म्यूजिक होस्ट करती थी। अब फिर हुआ क्या, अप्रैल 2010 में guruji.com के ऑफिस पे जो कि बेंगलोर में था, बेंगलोर पुलिस ने रेड कर दी और उन्होंने guruji.com के CEO अनुराग दौड़ को कॉपीराइट के चार्जेस पे अरेस्ट कर लिया। ये एक्शन हुआ था इंडिया के कॉपीराइट एक्ट के वॉयलेशन के लिए, जिसके मुताबिक अगर आप किसी कॉपीराइटेड एसेट को यूज करते हो और उसे मोनेटाइज करते हो तो वो एक क्राइम के अंडर आता है। यूजिंग दैट इज नॉट एन इशू, बट अर्निंग मनी फ्रॉम दैट विदाउट द परमिशन इज एन इशू। और अब आप होने वाले हो शॉक्ड ये सुनकर कि ये कॉपीराइट किसने लगाया था। ये कॉपीराइट का केस करा था भारत की जानी मानी कंपनी टी सीरीज ने अपनी मूवीज जैसे कि ओम शांति ओम, ऑल द बेस्ट, आशिक बनाया आपने एक्सेट्रा के अंदर के म्यूजिक के कॉपीराइट वॉयलेशन की वजह से। अनुराग दौड़ का अरेस्ट शॉकिंग इसलिए भी था क्योंकि उस समय सिर्फ छोटे रोड साइड वेंडर्स और शॉपकीपर्स को ही अरेस्ट किया जाता था कॉपीराइट के केस के लिए। किसी बड़ी कंपनी के सीईओ का अरेस्ट पहली बार ही हुआ था उस समय में। और बस फिर क्या होना था, पहले म्यूजिक सर्च का ऑप्शन बंद हुआ और फिर पूरी कंपनी की रेपुटेशन डाउन होने के कारण पूरी कंपनी ही बंद हो गई। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको पता है मैगी दुनिया की सबसे ज्यादा स्मार्ट एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनीज में से एक है। एक छोटी सी केस स्टडी में मैंने मैगी के सक्सेस के ऐसे ऐसे पॉइंट डिस्कस करे हैं, यू वॉन्ट मिस राइट। वीडियो आ रही होगी स्क्रीन पे, क्लिक एंड वॉच।